कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए जहां सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्विच कर चुके हैं, वहीं आज भी बहुत से लोग लोकल वीडियोस प्ले करने के लिए एक बेहतरीन वीडियो प्लेयर की तलाश में रहते हैं। ऐसा वीडियो प्लेयर जो मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वीडियोस, इधर उधर से डाउनलोड की हुई वीडियोस और पायरेटेड मूवीज एंड वेब सीरीज को प्ले कर सके। या दैट्स ट्रू, ऐसा वीडियो प्लेयर जो सभी वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता हो, ऑनलाइन वीडियोस को प्ले कर सके, स्वाइप जेस्चर्स बढ़िया हों, तो ऐसे फीचर्स हमें एक ऐप में मिलते हैं जिसे हम सब जानते हैं और जिसका नाम है MX Player। एक टाइम था जब MX Player सभी के दिलों पर राज करता था और बहुत से लोगों ने तो इसे बेस्ट वीडियो प्लेयर का टैग भी दिया था। लेकिन आज MX Player केवल एक वीडियो प्लेयर नहीं है बल्कि एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुका है। वेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसमें लोकल वीडियोस प्ले करते हो और उसमें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का नॉन स्केपेबल वीडियो एड्स आते हैं। अगर ऐसे एड्स इसके ओटीटी पर आए तो समझ भी आता है, पर मेरे खुद की लोकल वीडियोस पर बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपको टॉप 5 वीडियो प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो MX Player जैसे या उससे भी बेहतरीन फीचर्स देते हैं। नंबर 1, KM Player। ये वीडियो प्लेयर इसके अमेजिंग फीचर्स और पावरफुल प्लेबैक की वजह से काफी पॉपुलर है। इसमें MX Player की तरह डबल टैप टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 10 सेकंड लेफ्ट साइड ब्राइटनेस कंट्रोल एंड राइट साइड वॉल्यूम कंट्रोल, वीडियो ओरिएंटेशन, वीडियो लॉक, PIP मोड, वीडियो एस्पेक्ट रेशियो जैसे फीचर्स तो मिलते ही हैं। इसके अलावा हार्डवेयर एक्सेलरेशन, कलर एडजस्टमेंट, ऑडियो और सबटाइटल्स के लिए शानदार फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसका स्वाइप जेस्चर MX Player जितना अच्छा तो नहीं है पर काफी अच्छा है इस वीडियो प्लेयर में, और ना ही इसके इंटरफेस पर किसी भी तरह के कोई एड्स नहीं मिलते। इसके अलावा इस ऐप में किसी क्लाउड बेस्ड अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, फिर यहाँ से सीधा उसकी मीडिया फाइल्स को एक्सेस कर पाओगे और किसी वीडियो URL को भी यहाँ पेस्ट करके इस वीडियो प्लेयर से प्ले कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको इस ऐप का एक हिडन सीक्रेट बताता हूँ। यहाँ सर्च आइकॉन पर प्रेस कीजिए और YouTube सर्च इनेबल करें। इसके बाद यहाँ कुछ सर्च करें। ये सारे रिजल्ट्स YouTube से शो हो रहे हैं। आप किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हो, और जो मजेदार बात है वो ये है कि यहाँ से प्ले करने से YouTube वीडियोस पर भी कोई एड्स नहीं आएगा। नंबर 2, VLC फॉर Android। हम सब ने VLC मीडिया प्लेयर को विंडोज में सबसे ज्यादा यूज किया है। इवन कभी कभी तो लगता है कि VLC ही विंडोज का डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर है। कुछ ऐसा ही है VLC फॉर Android। सिंपल, फास्ट एंड इजी टू यूज ये वीडियो प्लेयर सभी बेसिक फीचर्स प्रोवाइड कराता है। VLC में प्लेबैक एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए ऑन स्क्रीन जेस्चर्स मिल जाते हैं, पॉप अप और बैकग्राउंड मोड है, किसी वीडियो को एज अ ऑडियो भी प्ले कर सकते हो, न्यूज सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हो, ऑडियो डिले हो रहा हो तो उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। किसी भी तरह के कोई एड्स नहीं है, बिल्कुल क्लीन एप्लीकेशन है, और जो भी फीचर्स इस वीडियो प्लेयर में हैं वो सभी के लिए फ्री हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके प्रो फीचर्स को यूज़ करने के लिए कोई प्रीमियम वगैरह बाई करना पड़े। जो भी है सबके लिए है, कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा भी VLC इतने सारे फीचर्स देता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों की नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है। कुछ और भी वीडियो प्लेयर्स हैं जो अच्छे फीचर्स के साथ एड्स फ्री एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मिक्स प्लेयर, बीट्स वीडियो प्लेयर एंड एक्स प्लेयर। इन वीडियो प्लेयर्स में नेटवर्क स्ट्रीम, प्लेबैक, वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस कंट्रोल, पॉप अप एंड बैकग्राउंड प्ले जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा MX Player और एक्स प्लेयर में तो आप वीडियोस को प्राइवेट भी कर सकते हो। मुझे मिक्स प्लेयर और बीट्स वीडियो प्लेयर का इंटरफेस काफी फैमिलियर और अच्छा लगता है, तो इनमें से किसी वीडियो प्लेयर को यूज करें और आपका वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस जरूर इम्प्रूव होगा। इन सभी के डाउनलोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जाते जाते कॉमेंट में अपने वीडियो प्लेयर का नाम बताते जाएं जो आप यूज करते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।